दादूराम सत्यराम। साथियों, आज श्री दादू पंत परिचय यूट्यूब चैनल में हम आपको श्री दादू धाम बहराणा की यात्रा करवाते हैं, जहां वर्तमान में श्री दादू दयाल जी महाराज का वार्षिक महोत्सव चल रहा है। इस दादू मेले में करीब 6 दिवसीय इस मेले में संत महात्मा और श्रद्धालु नित प्रतिदिन आरती, सत्संग, भजन, कीर्तन करते रहते हैं और दादू राम नाम के जयकारों के साथ यहाँ प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आज बिचून से करीब 6 किलोमीटर दूर बहराणा पहाड़ के अंदर ये स्थान स्थित है और ये भव्य स्थान दादूपंत संप्रदाय के अंदर बड़ी मान्यता है। अंतिम शरण में भी दादू संप्रदाय और दादू दयाल जी महाराज को मानने वाले लोग इसी स्थान पर आते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये स्थान जहां वार्षिक महोत्सव और ये मेला का आयोजन हो रहा है, वर्तमान में यहां महंत श्री गोवर्धन दास जी महाराज के सानिध्य में स्थान का लगातार निरंतर विकास हो रहा है और इस मेले में श्रद्धालु बड़े भाव भक्ति के साथ यहाँ आते हैं और इस महा आरती का दादू वाणी जी की शोभा यात्रा मुख्य मंदिर से निकलकर दादू खोल के अंदर जाती है। वहाँ भजन कीर्तन होता रहता है और उसके पश्चात पुनः वापस दादू मंदिर में आती है। यही भक्ति भाव श्रद्धा का केंद्र दादू पंत संप्रदाय का और यहाँ आने वाले सभी भक्त महा आरती के बाद महाप्रसादी ग्रहण करते हैं और इस मेले के दौरान आए हुए संत महात्मा खाक चौक में अपना स्थान ग्रहण करते हैं और इनकी विदाई होकर ये अगले दिन नरेणा धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। Thank you.
दादू दयाल जी महाराज का यह है 478वां अवतारोत्सव मनाने के लिए आप हम सब एकत्रित हुए हैं। प्रतिवर्ष अवतारोत्सव पांचों धामों पर बड़े हर्षोल्लास से मनाते हुए नारायणा में फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को भव्य दादू जी महाराज ने जो उपदेश दिए उनकी संग्रहित अनुभव की वाणी है उसकी शोभा यात्रा पूरे ग्राम में दर्शन कराए जाते हैं और उसी के अंतर्गत ये निर्गुण धारा का प्रवाह करने वाले संत का ये निरंतर उपदेश आदेश मनुष्य को ग्राह्य है। एक शब्द भी ने संतों का जीवन में उतार लिया तो जीवन धन्य हो जाएगा। सत्य रहा पीछे के माध्यम से जो दादू द्वारा आज जो मुख्य धाम है अपना मोक्ष धाम श्री दादू पालका जी बिचूण में हम पहुंच चुके हैं। 478वां मेला यहाँ विशाल मेला का आयोजन हुआ। पिछले 5 दिन से मेला आयोजित हो रहा था और इस मेले में किस प्रकार से व्यवस्था रही, आरती का क्या व्यवस्था रही और कैसे श्रद्धालु संत महात्माओं की तपस्या चलती रही, इस विषय में थोड़ा सा महाराज जी श्री रतनदास जी महाराज से जानते हैं। दादू राम सतराम, आज पिछले 5 दिन से मेला प्रारंभ था, दादूवाणी के पाठ चल रहे थे और आज मुख्य मेला था। दादूकोड़ में दयाल महाराज की झांकी लेके गए, उसके बाद महाआरती मंदिर में होके पंगत प्रसादी ली सब साधुओं ने। कल का सब साधु संतों की विदाई है। कल तक मेला बेराना धाम का रहता है, परसों पंचमी के दिन नरेणा सब साधु संत यहाँ से विदा होके नरेणा धाम पहुँचेंगे। जैसा कि रतनदास जी महाराज ने बताया कि ये मेला कल समापन होगा और कल साधु संतों की विदाई होगी। आज महाआरती और भजन संध्या के साथ ये कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यही मेला लगातार हमारे पांचों धामों में बढ़ता है और ये सीधा अब नरेणा धाम की ओर है और अब हम आपको आगे मिलेंगे नरेणा धाम। और आज जो वीडियो बनाया गया है चारों तरफ यहाँ दादू जी महाराज की आरती और भजन संध्या कार्यक्रम पूरा रिकॉर्ड यहाँ किया गया है, आप सब तक ये दादू पंथ परिचय के माध्यम से पहुँच जाएगा। दादू राम सत्य राम सत्य राम।